वेलकम टू एस्ट्रो इंटेलिजेंस वीडियोस। आज की वीडियो दर्शकों द्वारा भेजे गए तीन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए बनाई जा रही है। और ये जो तीन प्रश्न हैं, मेरे को भी लगा कि ये तीनों प्रश्न काफी रेलेवेंट हैं, काफी डीप हैं और इनके उत्तर देना जरूरी है, अदरवाइज सब्जेक्ट अनआंसर्ड रह जाता है, लोगों की क्वेरीज चलती रहती हैं और उस सब्जेक्ट में उनको क्लैरिटी नहीं होती। सबसे पहला प्रश्न मेरे को आया कि शनि के रोल को कृपया आप सूर्य और चंद्रमा के माध्यम से, यानी के आत्मा और मन के रिलेशन में हमें समझाइए। दूसरा प्रश्न आया कि जो आप बात करते हो कि सेवंथ हाउस शक्ति स्थान है, इस सब्जेक्ट को और या इस कॉन्सेप्ट को आप और ज्यादा क्लियर करें, क्योंकि जब कॉन्सेप्ट की बात आती है तो उसमें लोगों का थॉट प्रोसेस आगे को जाता है और वो आगे से आगे क्वेश्चंस उसमें से निकालते हैं। तीसरा प्रश्न आया कि जो मैं ऑलमोस्ट काफी वीडियोस में बोल चुका हूं कि राहु केतु एक एनर्जी एक्सिस है और ये जो एनर्जी एक्सिस बनता है ये पुश एंड पुल मैकेनिज्म से बनता है। दर्शकों ने चाहा है कि मैं इस कॉन्सेप्ट को भी काफी क्लियर करूं ताकि उनको ये समझ में आ जाए कि ये पुश एंड पुल मैकेनिज्म है क्या। अब दर्शकों बारी बारी से प्रश्न मैं लेता हूं। सबसे पहला प्रश्न जो है वो था शनि के बारे में कि शनि को आप आत्मा और मन के रिलेशन से समझाइए। इसके लिए दर्शकों आपको एक हॉरोस्कोप बनाना पड़ेगा जिसको हम काल पुरुष कुंडली, भगवान विष्णु की कुंडली या आदि पुरुष की कुंडली कहते हैं। जब आप वो बनाओगे तो आप देखोगे कि शनि की पोजीशन दो भावों में होती है, दशम स्थान दशम भाव या इलेवंथ एकादश भाव, और इसका रिलेशन जो है आत्मा और मन के साथ कैसे है ये इंटरेस्टिंग भी है। अब आप देखिए, जब हम शनि की प्लेसमेंट की बात करते हैं जो नेचुरल प्लेसमेंट है, वैसे तो देखिए किसी की भी कुंडली में शनि किसी भी राशि में हो सकता है, मगर हम एक नेचुरल प्लेसमेंट की बात करते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए हमें काल पुरुष की कुंडली का सहारा लेना पड़ता है। वहां पर शनि अपने थोड़े से हल्के स्वभाव में दशम भाव में है और बहुत ज्यादा गहरे स्वभाव में वो बैठे हैं एकादश भाव में। एकादश भाव हम राहु का भी को लॉर्डशिप वाला हाउस मानते हैं, और वैसे भी जो राहु एनर्जी है वो शनिवत एनर्जी ही है। हम कह सकते हैं कि ये शनि की एडवांस्ड एनर्जी का हाउस है। अब इन दोनों भावों को अगर आप ध्यान से देखोगे, इनके ऊपर इनका जो सेवंथ हाउस है, दशम भाव का सेवंथ हाउस कौन सा हुआ, चतुर्थ स्थान सुख स्थान, यानी के फोर्थ भाव। फोर्थ भाव किसका है, चंद्रमा की लॉर्डशिप का है, और इलेवंथ भाव के शनि को पांचवें भाव का सूर्य, जो पांचवें भाव का अधिपति है, वो उसको दृष्टि दे रहा है। So, ये एक नेचुरल रिलेशनशिप क्रिएट होती है, एक तरीके से एनर्जी एक्सिस भी बनता है और ये एक नेचुरल रिलेशनशिप भी है। और वैसे भी आप जानते हो कि सूर्य और शनि की एक नेचुरल रिलेशनशिप भी है, वो क्या है, उनकी रिलेशनशिप है बाप और बेटे की। पहले हम रिलेशनशिप को समझने का प्रयास करते हैं चंद्रमा और शनि के। देखिए चंद्रमा क्या है, चंद्रमा आपका मनस है, आपका मन है, वो स्थान है जहां से आप अपनी पांचों ज्ञानेंद्रियों द्वारा, पांचों कर्मेंद्रियों द्वारा, पांच ही सेंसेस के द्वारा आप चीजों को फील करते हो, समझते हो, उनसे जो भी सुख या आनंद की प्राप्ति की जा सकती है उसको हम फील करते हैं,
उसको हम लेते हैं, या दूसरे वर्ड से कह सकते हैं उसको हम रिसीव करते हैं। फोर्थ भाव इसी वजह से सुख स्थान है, यानी कि किसी भी सेंस से, यानी कि किसी भी टच की सेंस, स्मेल की सेंस, साइट की स्मेल सेंस, हियरिंग की सेंस, ये जो पांच सेंसेस हैं, इन पांच सेंसेस से जो सुख लिया जा सकता है, फोर्थ हाउस उसका सुख स्थान है। और उसका अधिपति हमारा मन चंद्रमा है, जिसको पुरानी भाषा में मनस कहा जाता था। अब मनस और शनि आमने सामने है। अब आप देखिए, मन का संबंध भी शनि के साथ है। अब मन को आगे लेकर जाएं, मन से अगला भाव यानी के मन का जो गेन हाउस है वो कौन सा है, वो है सूर्य का भाव, यानी के पंचम भाव। पंचम भाव चंद्रमा का गेन का हाउस है, यानी जब हम मन को स्ट्रॉन्ग करते हैं, मन को इवॉल्व करते हैं, मन को डिवेलप करते हैं, और ये डिवेलपमेंट किससे होती है, ये शनि के द्वारा ही होती है, क्योंकि शनि आपके कर्म का अधिपति है। जब हमें जन्म मिलता है, जन्म के साथ हमें मिलता क्या क्या है, जन्म के साथ सबसे पहली चीज हमें शरीर मिलता है, और इस शरीर को चलाने वाला ड्राइवर हमें मन के रूप में मिल जाता है। इसी वजह से चंद्रमा की प्लेसमेंट, मून की प्लेसमेंट आत्मा के भाव से पहले की गई ऋषियों द्वारा, और मन को खाली कभी नहीं रखना, मन को हमेशा कर्म करते रहना है, क्योंकि मन इस शरीर को चलाने वाला ड्राइवर है। और जब हम मन को कर्म में लिप्त कर देते हैं, कर्म करते जाते हैं, एक साधक की तरह, एक डिसिप्लिन्ड इंसान की तरह कर्म करते जाते हैं, सो हमारा मन इवॉल्व होता है, स्ट्रांग होता है, बढ़ता है, या इन ए वे हम ये कहें ये एक एवोल्यूशन का प्रोसेस है जो मन और कर्म के द्वारा बनता है। और जब मन थोड़ा सा भी डिवेलप हो जाए तो वो कहां जाएगा, मन के जाने के लिए एक ही स्थान है, मन सिर्फ आत्मा के पास ही जा सकता है। या तो मन जा सकता था कर्म के रास्ते पर, या मन जा सकता है आत्मा के पास। कर्म का रास्ता मन के बाहर का रास्ता है, आउटर वर्ल्ड से मन का जो कनेक्शन है वो कर्म के द्वारा है, मगर जो इंटरनल कनेक्शन है, जब मन डिवेलप हो जाता है, इवॉल्व हो जाता है, तो मन अंदर की तरफ जाता है, और जब अंदर की तरफ जाएगा तो वो आत्मा के पास जाएगा। इसी वजह से आत्मा का भाव चंद्रमा का गेन का भाव है। और जब हम गेन के भाव में पहुंचते हैं तो गेन के भाव में आत्मा है। अब आत्मा भी शनि के डिवेलप्ड रूप को देख रही है। इलेवेंथ हाउस का जो शनि है वो डिवेलप्ड शनि है, डीप शनि है, शनि जो साधना से, कर्म से जो इवॉल्व हुआ हुआ शनि है वो है। और साथ में उसके पास एक्सेप्शनल लेवल की नॉलेज, एक्सेप्शनल लेवल की विजडम, एक्सेप्शनल लेवल की इंटेलिजेंस है, और वो क्या चीज है, वो राहु की है। अब आप देखिए, एक तरफ शनि भी डिवेलप हुआ और दूसरी तरफ मन भी डिवेलप हुआ। ये जो डिवेलप मन और शनि, ये आपका 5 और 11 का एक्सिस बन गया। जब हम 4 और 10 से अपने आप को डिवेलप करके, अपने आप को इंक्रीज करके, यानी हमारी प्रमोशन हो जाती है, तो हम 5-11 में जाते हैं। और 5-11 में जब हम जाएंगे तो हम आत्मा के पास गए। और आत्मा जब इस तरीके से मन को अपने पास आया देखती है, और कर्म से वो शरीर अब तप कर कुंदन बना हुआ है, यानी साधना पूरी हो चुकी है, सो अब आत्मा अपने आप को रिफ्लेक्ट करती है, क्योंकि सूर्य का काम है लाइट को देना, और वो जो लाइट देता है वो लाइट दिखेगी कहां से, वो उसके 7th हाउस यानी के उसके शक्ति स्थान से। और वो शक्ति स्थान कौन सा है, वो 11th हाउस ही है, एक्वेरियस, कुंभ, अमृत का खजाना। इसी वजह से जब भी आत्मा डिवेलप होती है, आत्मा एनलाइटेंड होती है, या हमारा एक्चुअली आत्मा एनलाइटेंड नहीं होती,
मन को एनलाइटनमेंट होती है। जब मन एनलाइटन होता है तो वो आत्मा के करीब जाता है, आत्मा की लाइट उसको और ज्यादा मिलती है और वो ज्यादा अच्छे ढंग से अपने आप को एक्सप्रेस करता है। और इलेवेंथ हाउस आप जानते हो ये बड़े ग्रुप्स में काम करने का हाउस है, लार्जर ग्रुप्स, बड़ी कॉरपोरेशंस, बड़े ग्रुप्स। ऐसी एनलाइटन सोल्स छोटे ग्रुप में काम नहीं करते, ये वर्ल्ड के लीडर्स बन जाते हैं, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी का रास्ता हो और चाहे वो साइंस की रिसर्च का रास्ता हो। रास्ता कोई भी हो सकता है, ये रास्ता मन और मन को साधना के रास्ते से, कर्म के रास्ते से, तपाकर कुंदन बनने से ही अचीव होता है। और इसी वजह से इलेवंथ भाव को इच्छा पूर्ति का भाव माना गया। इच्छाएं किसकी होती हैं? अब आप देखिए, आत्मा की इच्छा नहीं होती, इच्छाएं सिर्फ मन की होती हैं और मन की इच्छा कर्म के माध्यम से ही पूरी हो सकती है। यहां पर अब आप देखिए, और यहां पर आप देखिए कि कुछ खूबसूरत रेवलेशंस, और वो क्या है, सुख स्थान यानी के चतुर्थ भाव में, फोर्थ हाउस में जुपिटर एग्जॉल्टेड है, मगर दशम स्थान में कर्म भाव में वो डेबिलिटेट कर जाता है। यानी कि कर्म में हमें ज्यादा नॉलेज नहीं चाहिए, हमारा थोड़ा नॉलेज से भी गुजारा हो जाएगा, मगर मन को मार्स डेबिलिटेटेड चाहिए और शनि को मार्स एग्जॉल्टेड चाहिए। यानी कि कर्म करने में मैक्सिमम इच्छा चाहिए, मैक्सिमम डिजायर चाहिए, मगर मन में ज्यादा इच्छाएं नहीं चाहिए। मन में ज्यादा क्या चाहिए? मन में ज्यादा नॉलेज चाहिए। अब आप देखिए, फोर्थ और टेंथ एक्सिस जो है ये कितना खूबसूरत एक्सिस है। एक तरफ जुपिटर एग्जॉल्टेड है और दूसरी तरफ मार्स एग्जॉल्टेड है, और इनका रिलेशन मन और कर्म से बनता है, यानी कि चंद्रमा और शनि के साथ। और जब हम इसको डिवेलप करते हैं, यानी कि नॉलेज के साथ मन की ओर पूरा लगा देते हैं, पूरे मन से जब हम कार्य करते हैं, तो ये शरीर, ये मन, ये कुंदन बन जाता है। ये जो तप के हम कहते हैं कि चीज को कुंदन बनना, इसका कॉन्सेप्ट ये है। और जब कुंदन बन जाता है, उसमें से इम्प्योरिटीज खत्म हो जाती हैं, तब उसकी प्रमोशन होती है 5-11 के एक्सिस में। और 5-11 के एक्सिस में ही जब आत्मा के हम पास पहुंच गए, आत्मा की लाइट से अब वो जो अंधेरा रास्ता था वो एनलाइटन हो गया। दिस इज व्हाट एनलाइटनमेंट इज, दिस इज व्हाट मोक्ष इज। ये ही मोक्ष है, क्योंकि एक्चुअल में मोक्ष कोई हेवन नहीं है, कोई वहां पे अप्सराएं नहीं नाचेंगी, वहां पे कोई ऐसी चीजें नहीं हो। सिर्फ क्या है, जो नॉलेज जो अज्ञात के अंधेरों में पड़ी है वो आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित हो जाती है। आप उस ज्ञान को अपने में समाहित कर लेते हो और उसको अचीव करने के लिए, उस तक पहुंचने के लिए, क्योंकि ज्ञान वो जो है वो आपकी आत्मा से बाहर का सब्जेक्ट है। आप इस कॉन्सेप्ट को पकड़िए, वो जो ज्ञान है वो आपका नहीं है, वो बाहर का सब्जेक्ट है, और बाहर के सब्जेक्ट के लिए हमें कुछ बाहरी कर्म करना पड़ेगा। शनि एकादश भाव में कर्म करवाता है, मगर और जो बाहरी कर्म है वो राहु का है, तभी राहु इंसान को वहां पर रिसर्च में डुबो देता है, और उस रिसर्च के माध्यम से वो जो अमृत की बूंदें मिलती हैं वो ही एनलाइटनमेंट है। सो दर्शकों, पहला तो प्रश्न था ये। अब इसी में थोड़ा सा दूसरे प्रश्न का उत्तर भी आ गया, और वो क्या था, कुछ लोगों ने कहा कि सेवंथ भाव, ठीक है हमें समझ में आता है कि शक्ति स्थान है, क्योंकि किसी की भी शक्ति दूसरे में पड़ी होती है। जो भी इंसान किसी के सामने आएगा, शक्ति एक्चुअल में वहीं पे पड़ी है। अब शिव के पास तो हर तरह का ज्ञान पड़ा है, जब तक पार्वती उनके सामने आकर शिव से पूछेंगी नहीं कि हे शिव,
हमें बताइए कि इस रहस्य को हम कैसे जान सकते हैं, तो ही शिव अपना ज्ञान देंगे। बिना पार्वती के आए, बिना सेवंथ हाउस के एक्टिवेट हुए, वो ज्ञान बाहर ही नहीं आएगा। वो ज्ञान उसी हाउस में, उसी फर्स्ट हाउस में, उसी सेल्फ में, उसी एग्जिस्टेंस में पड़ा रहेगा। ये एक तरीके से द्वैत का सिद्धांत है। देखिए, द्वैत, द्वैत का मतलब होता है ड्यूअलिटी, यानी कि दो चीजें जहां पर हों वहां पर क्या है, एक शिव है और दूसरा पार्वती है, ये ही द्वैत है। और दूसरे तरीके से आप समझ सकते हो, ये द्वैत हर इंसान के अंदर होता है। और ये द्वैत क्या है, एक आत्मा है और दूसरा मन है, ये ही द्वैत है। और इस द्वैत में नॉलेज की ही शेयरिंग है, नॉलेज की ही बातें हैं। और इस नॉलेज को समझने के लिए हमें द्वैत के कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, जिसको मैंने शक्ति स्थान के माध्यम से कह लीजिए, लॉ ऑफ ऑपोजिशन के माध्यम से मैंने आपको समझाया कि सेवंथ हाउस किसी भी स्थान का शक्ति स्थान है। बिना सेवंथ हाउस, बिना ऑपोजिशन आए, वो हाउस, वो भाव एक्टिवेट ही नहीं होगा। अब कुछ दर्शकों ने यहां पर कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछे। उन्होंने कहा कि सर, जब एक भाव में एक प्लेनेट एग्जॉल्टेड है तो नेचुरली वो दूसरे भाव में डेबिलिटेट होगा। तो जब पहले भाव में सूर्य एग्जॉल्टेड है, सेवंथ हाउस में सूर्य को डेबिलिटेट होना है। अब आप देखिए, ये बहुत मजेदार चीज है, जिस चीज को क्वेश्चन जिस भी दर्शक ने मेरे से पूछा उसको भी शायद इस चीज का इतना इमेजिनेशन नहीं होगी कि ये क्वेश्चन कितना डीप क्वेश्चन था जो उस यानी दर्शक ने मेरे से पूछा। और दूसरी तरफ एक प्लेनेट जो फर्स्ट हाउस में डेबिलिटेट है वो सेवंथ हाउस में एग्जॉल्टेड हो जाता है, यानी ये कहीं ना कहीं बात हो रही है सूर्य और शनि की ही। अब आप देखिए, सूर्य और शनि की, सूर्य और शनि देखा जाए बाप बेटा है, ये फादर सन ड्यूअलिटी है। और फादर सन ड्यूअलिटी समझ लीजिए, या दूसरे तरीके से आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये एक्चुअल बेसिक ड्यूअलिटी है। और इसी वजह से इसको समझने के लिए आपको दोबारा से जो पिछला क्वेश्चन जिसका मैंने आंसर आपको किया, आप उसको दोबारा रिपीट करके दोबारा देखें, फिर आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा कि मन को डेवलप होके आत्मा के पास जाना है, जो किसी भी इंसान की मूलभूत ड्यूअलिटी है। और जब वहां पे आप जाते हो तो वो एनलाइटनमेंट का प्रोसेस शुरू हो जाता है। और वो जो एनलाइटनमेंट का प्रोसेस है, ये ही द्वैत से अद्वैत की यात्रा है, ड्यूअलिटी से सिंगल होने की यात्रा है। क्योंकि एट द एंड कौन बचेगा, वो शिव ही बचेगा, आत्मा ही बचेगी, एक ही एनर्जी बचेगी। ना शिव पार्वती से अलग होंगे, ना आत्मा मन से अलग होगी, मन को आत्मा में ही जाना है। छोटी छोटी जो बूंदे हैं उसको समुद्र में ही समाना है, यानी ड्यूअलिटी से सिंगल होने का कॉन्सेप्ट ही ये है। मगर अब यहां पर अब आप देखिए, क्वेश्चन का आंसर करने वाला शिव सूर्य एग्जॉल्टेड है, वहां पर मैक्सिमम लाइट है, पूछने वाले के पास नेचुरल बात है कि वो लाइट कम है, तभी तो वो उस क्वेश्चन को पूछ रहा है, तभी तो वो उस नॉलेज को लेना चाह रहा है। नॉलेज के ट्रांसफर का, नॉलेज की शेयरिंग का, एनर्जी के फ्लो का सिद्धांत ज्यादा से कम की तरफ ही है। मगर अब आप यहां पर देखिए, जो दूसरी बात थी कि शनि फर्स्ट भाव में डेबिलिटेटेड है और सेवंथ भाव में एग्जॉल्टेड है। अब आप देखिए, जो गुरु है, जो आत्मा है, जो परमात्मा है, जो लाइट के सोर्स हैं, अब आप सोचिए इस बात को, जो लाइट के सोर्स हैं,
वो ज्ञान दे रहे हैं, वो नॉलेज शेयर कर रहे हैं, वहां पर कर्म नहीं है। कर्म के भाव में आप देखिए जुपिटर डेबिलिटेट कर जाता है, मन में जुपिटर एग्जॉल्टेड होता है, यानी कि उस मन को नॉलेज चाहिए। जब ये नॉलेज चाहिए तो वहां पे कर्म ऑटोमेटिकली नहीं होगा या कम होगा। दैट इज व्हाई सैटर्न फर्स्ट हाउस में डेबिलिटेट कर रहा है। और जब सैटर्न डेबिलिटेट कर रहा है तो सेवंथ हाउस में सैटर्न को एग्जॉल्टेड होना ही है। जब आपको जो नॉलेज आप चाहते थे, जिस चीज का अंधकार आपके मन में था, वो अंधकार छट गया, वो लाइट आपको मिल गई। और जब लाइट आपको मिल गई तो नेचुरल बात एक है, आप आगे जाओगे, उस चीज से आगे बढ़ोगे। वो रास्ता एग्जॉल्टेशन का ही है, क्योंकि नॉलेज के बाद ही कर्म होगा, कर्म बिना नॉलेज के नहीं है। और ये बात ऋषियों ने हमें कई तरीके से समझाई, फर्स्ट और सेवंथ से समझाई, फोर्थ और टेंथ से समझाई, और सबसे बड़ी बात नाइन्थ भाव जो है वो ज्ञान का है। नौवें भाव में ज्ञान रखा और कर्म उसके बाद में रखा, दशम भाव में कर्म रखा। अब आप देखिए ये जो कॉन्सेप्ट्स थे ऋषियों के लॉजिक बिल्कुल क्लियर थे। हमारे मन में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उठने चाहिए। मैं तो चाहता हूं कि दर्शक ऐसे क्वेश्चन मेरे से पूछा करें, और मैं कोशिश करूंगा कि ऐसी वीडियोस बना के आपके क्वेश्चंस के आंसर भी मैं आपके करूं। और तीसरा प्रश्न जो राहु केतु के पुल एंड पुश के बारे में था, कि जो एनर्जी एक्सिस है, ये एनर्जी एक्सिस तो समझ में आ गया कि पुश एंड पुल से एनर्जी एक्सिस बन रहा है। अब इसको आप समझिए, ये पुश एंड पुल है क्या? पुश क्रिएट होता है केतु से। केतु क्या है? केतु आपके पिछले जन्मों से अर्जित की हुई नॉलेज की लीनिएज है, जो संस्कार आप पिछले जन्मों से इकट्ठे कर रहे हो, संग्रहित कर रहे हो, आपके मन में वो बीज रूपी संस्कार पड़े हैं, वो आपके नॉलेज के सॉफ्टवेयर है। जो नॉलेज आपने पिछले जन्मों में अपने कर्म करके, मेहनत कर करके आपने अर्जित की हुई है, वो आपका पास्ट लाइफ से बना हुआ केतु है। और वो केतु की जो नॉलेज है वो आपको पुश करती है एक नए जन्म की तरफ, और वो जो पुश है वो आपको जन्म दिलवाता है। That is why केतु is essential for your birth taking process. केतु से ही end भी होता है और केतु से ही नई beginning शुरू होती है। और ये जो concept है कि केतु अपने energy के माध्यम से, अपने संस्कारों के माध्यम से, जो past life में जो हमने lineage इकट्ठी की है, वो आपको push कर रही है to take a new birth. और ये ही जब हमारी बर्थ हो जाती है, केतु एक भाव में हो जाता है, यानी कि पोजीशन उसको मिल जाती है, और फिर हम उस लाइफ में भी हम ज्ञान अर्जित करते हैं, हम कर्म करते हैं, कर्म से भी हमें नॉलेज मिलती है, जो एक्सपीरियंसेस हमें मिलते हैं उससे भी हमें नॉलेज मिलती है, और फिर केतु का फिर प्रोसेस शुरू हो जाता है। केतु का प्रोसेस रुकता नहीं है, केतु का ये प्रोसेस ऑनगोइंग प्रोसेस है। जो भी नॉलेज हम एक्वायर कर रहे हैं वो हमारे बैक में जाकर हमारा केतु का जो स्टोर हाउस है, जो रिसोर्स बैंक हमारा बन रहा है, दैट इज व्हाट केतु इज। केतु इस लाइफ में भी जो अर्जित की हुई नॉलेज है, वो केतु हमें और आगे जाने के लिए पुश कर रही है। अब आप देखिए ये थी पास्ट। पास्ट हमेशा पुश करता है, और पास्ट के पुश करने से ही हमारा प्रेजेंट निर्मित होता है। मगर अब एक एनर्जी पीछे से आपको पुश कर रही है। आप देखिए एक एनर्जी आपको पीछे से पुश कर रही है। जब एक एनर्जी पुश कर रही है
तो दूसरी एनर्जी आपको पुल भी कर रही है। आप ये देखिए, एक तरफ से जैसे मैं प्रेशर लगाता हूं, ये दूसरा हाथ दूसरी तरफ को जाता है। ये पुश है जो केतु से आ रहा है, और पुल कौन करता है, ये इंटरेस्टिंग चीज है। आपका फ्यूचर आपको पुल कर रहा है, आपका फ्यूचर अपनी तरफ आपको खींच रहा है। और फ्यूचर कौन है? फ्यूचर आपका राहु है। राहु आपकी फ्यूचरिस्टिक एनर्जी है, और राहु आपको पुल कर रहा है भविष्य की ओर। अभी तक हमारी एस्ट्रोलॉजी में पास्ट को हम बहुत अच्छे तरीके से डीकोड करते हैं, पास्ट को समझते हैं। पास्ट को डीकोड करना हमें लगता है, जो हमारे जैसे स्पिरिचुअल लोग हैं वो डेफिनेटली पास्ट को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं, क्योंकि बिना पास्ट को समझे हम फ्यूचर की तरफ जा ही नहीं सकते। मगर फ्यूचर जो हमें अपनी तरफ पुल कर रहा है, वो जो फ्यूचर है वो राहु है, क्योंकि राहु ही आपकी फ्यूचर की संभावनाएं हैं। राहु जिस भी भाव में आपके चार्ट में है, फ्यूचर की तरफ जाने की संभावनाएं उसी एरिया ऑफ लाइफ के साथ कनेक्ट करेंगी। उस चीज को पढ़ना आना, उस चीज को डीकोड करना, जितना आप समझ सकते हो उतना आपका फ्यूचर आपके लिए ओपन अप होता जाता है। और ये जो पुल भविष्य की तरफ का पुल है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मगर यहां पर भी दर्शकों, मैं एक छोटा सा इनपुट और डालना चाहता हूं। आज तक फ्यूचर को अच्छे ढंग से डीकोड नहीं किया जा रहा, या किया ही नहीं गया। जो हमारे सीनियर्स, जो हमारे से भी बहुत ऊपर की आत्माएं थी, जिन्होंने ज्योतिष में बहुत खूबसूरत काम किया है, वो भी फ्यूचर को डीकोड करने में उनको भी परेशानी रही है। मगर जब ये साइंस थी, हमने पास्ट को समझा, पास्ट के माध्यम से प्रेजेंट को समझ लिया, मगर फ्यूचर में हमारे साथ क्या आगे होने वाला है, इस चीज को समझने में हमने एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इसको हमने कह दिया, ये एक प्रोबेबिलिटी की साइंस है। और ये प्रोबेबिलिटी क्यों बनती है? हालांकि देखिए, ऋषियों ने हमें बहुत से ऐसे इनपुट्स दे दिए, हमारे लिए उन्होंने कंफर्ट जोन क्रिएट कर दिया, जैसे महादशा के माध्यम से, ट्रांजिट्स के माध्यम से, गोचर के माध्यम से, नक्षत्रों के माध्यम से। ये उन्होंने हमारे लिए एक रेडी रेकनर बना दिया कि आप किसी भी इंसान के भविष्य को कैसे जान सकते हो। मगर फिर भी हर जगह, हर रिसर्च पेपर में, हर किताब में आपको एक ही बात मिल रही है, और वो क्या है कि फ्यूचर एक प्रोबेबिलिटी है। फ्यूचर को बिल्कुल एग्जैक्ट 100% बुलजाई के तरीके से नहीं डीकोड किया जा सकता। मगर जब ऋषियों ने साइंस को बनाया था, उनके मन में ये दुविधा नहीं थी। कारण क्या है? वो आपके केतु के पुश को भी जानते थे, वो केतु के माध्यम से निर्मित आपके प्रेजेंट को भी समझते थे, और जो पुल आपका राहु के माध्यम से होने वाला है वो उसको भी समझते थे। इसी वजह से वो आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, इन तीनों डायमेंशंस को उसी आसानी से डीकोड करते थे। और इसको डीकोड करने में हम लोगों को जो परेशानी आ रही है, वो आज आपके साथ में रिवील करता हूं। वो क्या है कि हम अपनी लाइफ जो है, जो इसकी इमीडिएट सर्कमस्टांसेस है या इमीडिएट एनवायरनमेंट है, हम उसको अकाउंट फॉर नहीं कर रहे। हम प्लैनेट्स को तो देख रहे हैं, नक्षत्रों को देख रहे हैं, मगर जो इमीडिएट एनवायरनमेंट है हमारी, उसको हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। और जब तक हम अपनी प्रेजेंट इमीडिएट एनवायरनमेंट को कंसिडर नहीं करेंगे, हम फ्यूचर को नहीं बता पाएंगे। अब इसमें आप एग्जाम्पल्स अपनी लाइफ में आप डे टू डे बेसिस पर देख सकते हो। और इसको जानने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले आप अपने मन और आत्मा से ऑनेस्ट हो जाइए। आपके साथ डेली में क्या क्या घटित होता है, उस चीज को रिकॉर्ड कर लें, लिख लें। फिर आपको धीरे धीरे समझ में आना शुरू होगा
कि जो इमीडिएट एनवायरनमेंट की चीजें हैं वो भी हम पे इम्पैक्ट कर रही हैं। हालांकि ऋषि उस इमीडिएट एनवायरनमेंट को वो कंसिडर करते थे। अभी हम लोगों की साइंस वहां तक नहीं पहुंच रही। मुश्किलें हैं क्योंकि मिसिंग लिंक्स पड़े थे पीछे। अब वो मिसिंग लिंक्स को धीरे 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 हम कड़ियों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हम जो अपने आप को रिसर्चर कहते हैं, रिसर्च और कुछ नहीं है, उसी नॉलेज को उसी सही डायमेंशन में लाना, सही कॉन्सेप्ट में बनाकर उसी साइंस का सही यूटिलाइजेशन करना ही कहीं ना कहीं हम लोगों का कार्य है। और अगर हम उन्हीं मिसिंग लिंक्स को खोजकर अपनी रिसर्च को सही डायरेक्शन में आगे ले जाएं, तो ये समाज के लिए एक बहुत ही अच्छा कार्य बनेगा। सो दर्शकों, ये था मेरा छोटा सा एनालिसिस और वो आंसर्स जो दर्शकों ने मेरे से पूछे थे, और मेरे को लगा कि उन कॉन्सेप्ट्स को दर्शकों के लिए क्लियर करना बहुत जरूरी है। सो दर्शकों, जो एक रिक्वेस्ट हर वीडियो में मैं आपसे करता हूं कि एस्ट्रो इंटेलिजेंस आपका अपना चैनल है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज का चैनल है, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा बढ़ाइए, ताकि घर घर में ज्योति का प्रकाश पहुंचे। और जो लोग इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, एजुकेशन लेना चाहते हैं, या रिसर्च के माध्यम से चीजों को, कॉन्सेप्ट को और आगे बढ़ाने में सहयोग करना चाहते हैं, उन सभी के लिए मेरा एक ही कॉन्टेक्ट नंबर है, दैट इज 9881644480। आशा करता हूं पिछली वीडियोस की तरह ये वीडियो भी आपके ज्ञान को बढ़ाने में सक्षम होगी। धन्यवाद दर्शकों, और बहुत बहुत आशीर्वाद, ताकि आप अपने जीवन की यात्रा को इसी तरह नॉलेज के रास्ते पर आगे बढ़ाते रहो।